एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर्स थे ना वो सब कैरी कर रहे होते हैं इन सबको जवान सिटी तक, और ये सब जवान सिटी के अंदर भी पहुंच जाते हैं जहां पे सब तो चले जाते हैं लेकिन एक बंदा रुक जाता है जिसको चोट लगी थी ना एपिसोड 2 के अंदर, वो वाला बंदा रुक जाता है इनके साथ ताकि वो इनको नेविगेट कर सके, यानी कि जो रास्ता होता है ना वो रास्ता दिखाने के लिए वो रुक जाता है। शहर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और खचाखच भरा होता है, और साथ में कुछ लोग इनको बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स दिखा रहे होते हैं और जिसको अपना गौन देख रहा होता है, लेकिन तभी लियोरियो बोलता है कि क्या कर रहे हो, हमें चलना भी है, और ये भी चल जाते हैं सब, मतलब एक जगह पे जाते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहां पे ना इनका अभी मतलब होने वाला था एग्जाम, उसको वो देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि जिस बिल्डिंग को वो देख रहे हैं एक्चुअली वो वाला है नहीं, उसके साइड में एक टूटा फूटा सा मकान जैसा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा एक बिल्डिंग होता है, उसके अंदर इनको जाना होता है क्योंकि उसी के अंदर इनका एग्जाम होने वाला होता है। उसके बाद ये सब अंदर जाते हैं जहाँ पे एक कुक कुछ खाना बना रहा था, उसको अपना जो ये जो मॉन्स्टर बॉय होता है ना ये बोलता है कि 3 लोगों के लिए पार्सल चाहिए, मतलब 3 लोगों के लिए खाना चाहिए, वो भी फ्लेम में जो होता है ना लो फ्लेम के अंदर, और जब तक पक नहीं जाता तब तक पका के लेके आने के लिए बोलता है, और तब वो उनको एक रूम के अंदर जाने के लिए बोलता है और जहाँ पे बताता है कि इस रूम के जरिए ही तुम्हें अभी आगे का मंजिल पता चलेगा। उसके बाद मॉन्स्टर बॉय बताता है कि तुमने पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा किया है अभी तक, और मैं होप करता हूँ कि मैं अगले साल भी तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ, यानी कि इनको इसको लगता है शायद ये फेल हो जाएंगे, और वो हाथ मिलाता है और चला जाता है। तभी पता चलता है कि ये कोई रूम नहीं, ये एक एलिवेटर है जिसके अंदर 27-8 ऐसे बढ़ते जा रहा होता है, यानी कि ये जो रूम है ये कमरा है नीचे की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ जा ही रहा होता है, और तभी लियोरियो बताता है कि उसको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, इसको ऐसा लगता है। तब अपना कुरापिका बताता है कि ये जो एग्जाम है ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत ही ज़्यादा टफ है, और ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक साल के बाद दूसरा साल कोई बंदा आके अटेम्प्ट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी इन दोनों के बीच थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है, वो भी मतलब हंटर ये बनना चाहता है पैसे के लिए और ये बनना चाहता है क्योंकि इसका एक मकसद है, तो दोनों के अंदर थोड़ी सी बहसबाजी होती है जिसके अंदर लियोरियो बताते हैं कि पैसा सब कुछ है और जितने सारे हंटर्स हैं सबके सब अमीर हंटर्स हैं, और तभी कुरापिका बताता है कि जितने भी हंटर्स हैं ना वो सब हंट इसलिए करते हैं, अपना हंटर बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका एक मकसद होता है, जीने का एक मकसद होता है, दुनिया के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो इस बात में बहुत ज़्यादा इनकी बहसबाजी हो जाती है और बातें घुमा फिरा के वो आ जाते हैं गौन के ऊपर, वो पूछते हैं कि गौन तुम्हें क्या लगता है सही क्या है, लेकिन गौन कुछ बता नहीं पता, और सही समय पे ये जो लिफ्ट है ना 100 माले नीचे आ जाती है और दरवाजा खुल जाता है जिसकी वजह से अपना गौन बच जाता है, वरना इसकी भी चटनी बना देते ये दोनों। जैसे ये नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, लिटरली बहुत सारे कैंडिडेट्स इनका इंतजार कर रहे थे, मतलब इनका तो नहीं, वो इंतजार कर रहे थे टेस्ट के लिए, और तभी उनमें से एक बंदा आता है और इनको एक कार्ड देता है, मतलब एक नंबर देता है, जिनमें से अपने लियोरियो को मिलता है 403, कुरापिका को 404 और अपना गौन लेता है 405 नंबर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल 405 बंदे अभी एग्जाम देने आने वाले हैं। तभी हमको एक कैंडिडेट दिखाया जाता है जिसका नंबर होता है 16 और उसका नाम होता है टोनपा, वो पास आता है इनके और बोलता है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो अभी तक 35 बार एग्जाम दे चुका हूँ, जिसको सुन के ये सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बार एग्जाम देना इतना आसान होता नहीं, क्योंकि मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करना पड़ता है यहाँ पे, तो इतना आसान होता नहीं है। और तभी वो हाथ मिलाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और साथ में ये पूछते हैं कि इतनी बार तुम ही दे चुके या फिर और भी बहुत सारे हैं, तो वो ये बोलता है कि हाँ और भी हैं, जैसे कि नंबर 255 टोडो द रेसलर, प्रोबेबली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बंदा है शायद यही है और जितना तुम्हें लगता है उससे ज़्यादा ये स्मार्ट है। फिर 103 आता है जिसका नाम था बॉर्डन और उसके गले के पास एक शार्प रहता है और इससे दूर रहना ज़्यादा सही है, वो ऐसा बताता है। उसके बाद 191 एक बुढ़ा जिसका नाम होता है बोडोरो, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और किसी को भी बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकता है। उसके बाद 3 भाई अमोरी इमोरी उमोरी, ये 3 भाई भी बहुत बार एग्जाम दे चुके होते हैं। और उसके बाद 384 जिसका नाम होता है गैरेटा और इसके पास एक डब्बा जैसा कुछ है जिसके अंदर पॉइजन होता है और इस पॉइजन से बचना लगभग नामुमकिन है। तभी एक बंदा इनके सामने से चल के जाता है और जाते वक्त वो एक बंदे को थोड़ा सा धक्का मार देता है, जो जोकर जैसा कुछ कॉस्ट्यूम पहना रखा है उसको थोड़ा सा धक्का लग जाता है और वो थोड़ा सा रूढ़ तरीके से इसको देखता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बंदा था वो चिल्ला रहा है और उसके मतलब कुछ डायमंड जैसा कुछ गिर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसका जो हाथ है ना आधा से ज़्यादा डिसअपियर हो चुका है, आधा से ज़्यादा जल के मतलब गिर रहा होता है ऐसे, मतलब जल रहा है या फिर डिसअपियर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, जल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये जो बंदा है जो जोकर जैसा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, इससे थोड़ा दूर रहना ही सही है। तभी टोनपा बोलता है ये साइकोपैथ फिर से आ गया, इसका मतलब ये है कि अगले साल भी आया था और
टोनपा बताता है कि अगले साल जब ये आया था ना, ये लगभग जीतने वाला था, लेकिन अचानक से इसने किसी के ऊपर हमला कर दिया, जो कि एक जज था उसके ऊपर हमला कर दिया, इसलिए ये हार गया था। इसका नंबर है 44 और इसका नाम है हिसोका द मैजिशियन, मतलब इससे भी दूर रहना ज़्यादा सही है। और तभी अपना ल्यूरे पूछता है कि अगर अटैक किया था उसके बावजूद ये फिर से कैसे आ गया। तब वो बताता है कि अगर डीमन भी चाहे ना तो भी यहाँ पे आके एग्जाम दे सकता है, क्योंकि जो मर्जी होगी, जो जजेस होते हैं ना उनकी जो मर्जी होगी वही यहाँ पे चलता है और किसी की नहीं चलती। इसके बाद टोनपा इन सबको एक एक कैन देता है, जूस का कैन देता है, और ये सब उसको पीने वाले होते हैं क्योंकि सबके सबका जो गला है ना वो सूख चुका होता है। तभी दो बंदे बात करते हैं, टोनपा ने फिर से फंसा लिया अपना शिकार, और हमें पता चलता है टोनपा जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं। एक्चुअली टोनपा ने जो कैन दिया था ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लक्साफाइट नाम का एक पॉइजन होता है, जिसका मतलब काम ऐसा होता है ना, जमाल घोटा जैसे काम करता है ना, मतलब एक बार अगर पी लोगे तो फिर टट्टी ही करते जाओगे, तो इसका हालत भी वही हो जाता है। तो इसलिए उन सबको पहले ही एलिमिनेट करने के लिए वो सब देर होता है। टोनपा बड़ी ही मुस्कुराहट होता है, तभी गॉन जो बोलता है ना ये तो एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि इसको पता चल चुका था कि ये जो है ये पॉइजनस है। और तभी हम देखते हैं लियोरियो और जो कुरापिका होते हैं वो दोनों भी उसको फेंक देते हैं, और ये अपना सर खुजाता है और बोलता है कि शायद मैंने गलती से तुम्हें दे दिया होगा, और बोलता है कि अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है, ना ही इसके अंदर कोई टेस्ट था ना ही सेंट था, इसके बाद भी इन सबको पता कैसे चला, मतलब ये सोचता है। और तभी गॉन बताता है कि मेरा तो बचपन से ही, मैं पहाड़ियों में रहता हूँ, मुझे पता चल जाता है सबके बारे में। और तभी ये उसको माफ भी मांगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। तभी गॉन पूछता है तुम्हारा पेट तो ठीक है ना, और तभी टोनपा थोड़ा सा मतलब पसीना मुंह के अंदर लाते हुए बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। और टोनपा तभी अपने मन के अंदर सोचता है कि इस साल के जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सबके सब स्ट्रांग है, जैसे 294 एक निंजा है जिसका नाम है होंजो और बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये उसको भी कोशिश करता है वो मतलब लक्साफाइट पिलाने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मैं एक निंजा हूँ और निंजा कभी बाहर कुछ भी नहीं खाता, यानी कि शायद उसको भी पता चल चुका है, इसके इरादे उसको पता चल चुके होते हैं। उसके बाद वो एक और कैंडिडेट के बारे में बताता है जिसका नंबर था 301 ऊजो पैरेली, और उसके सामने या फिर उसके आगे भी जाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, इसलिए वो उसके पास भी नहीं जाता। उसके बाद वो नंबर 187 निकोलस के पास जाता है, जिसके पास एक मतलब लैपटॉप होता है और वो सारा डाटा निकाल रहा होता है कि पिछले साल कौन क्या क्या कुछ है, सब कुछ होता है। और जब वो उसको ये देता है लक्साफाइट, तब वो बोलता है कि इतना भी तुम शाती नहीं हो जितने तुम लगते हो, मेरे पास तुम्हारा पूरा डाटा है, तुम अब तक 35 बार दे चुके हो और तुम्हारा काम यही है, लक्साफाइट दे के तुम बहुतों को परेशानी में डालते हो, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारा ये जो सीक्रेट है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मेरी नजरों से दूर रहना, इतना वो बताता है। और ये भी अपने मन के अंदर सोचता है कि तेरा नाक फोड़ दूंगा मैं। इसके बाद नंबर 99 होता है जिसका नाम होता है किलुआ, और वो एक और जूस का बोतल मांगता है टोनपा से, यानी कि एक बोतल पहले पी चुका होता है और दूसरा बोतल अभी मांग रहा होता है, और टोनपा भी उसको एक बोतल दे देता है जिसको वहीं पे घटघट करके पी जाता है। और टोनपा थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि अभी तक तो इसका मतलब बुरा हाल हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता, अभी तक तो शायद ये मर भी जाना चाहिए, लेकिन तभी किलुआ बोलता है कि घबरा रहे हो क्या, घबरा मत, इस जूस से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पॉइजन से कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और बचपन से ही मुझे इसकी ट्रेनिंग ली गई है। और तभी टोनपा सोचता है अगर इसको पता ही था कि इसके अंदर जहर है तो इसने पिया ही क्यों, और यही तो सबसे बड़ी घबराने की बात है, जो मतलब ज़्यादा खतरनाक होता है ना तो वो खतरा से डरता ही नहीं है, और ये जो किलुआ है उसी तरह का है, और किलुआ ने दिल जीत लिया यार। तभी हम देखते हैं कि एक गेट खुलता है और उसके अंदर से एक मतलब लगभग आधा बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है, जिसका मतलब चेहरा क्यों नहीं बनाया, मतलब मुंह नहीं बनाया होता है, और क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता। वो बताता है कि अभी से जो इंटर पीरियड है ना अभी खत्म हो चुका है और अभी से हंटर एग्जाम तुम्हारे हो चुके हैं शुरू। उसके बाद वो बूढ़ा इंसान एक फाइनल वार्निंग देता है और बोलता है कि ये जो एग्जाम तुम देने वाले हो ना ये दुनिया के सबसे खतरनाक एग्जाम में से एक है, इसके अंदर तुम्हारे हाथ पैर टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, मेंटली फिजिकली बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया जा सकता है, और साथ में बोलता है कि तुम्हारी जान तक जा सकती है, इसलिए अगर तुम में से कोई ऐसा है जो अभी थोड़ा कमजोर फील कर रहा है या फिर जिसको लगता है कि वो अभी पास नहीं हो सकता या फिर उसको लगता है कि मुझे अभी यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, तो पीछे तुम्हारे एक एलिवेटर है, वहां पे जाओ और वहां से ऊपर चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी नहीं जाता। उसके बाद ये चलना शुरू करता है और बोलता है कि फॉलो मी, और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा होता है, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से चल रहा था ये, और इसके पीछे सारे कैंडिडेट चल रहे होते हैं। उसके बाद ये बूढ़ा इंसान धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रहा होता है और बीच में अपना नाम बताता है सतोज, और बताता है कि मैं तुम्हारा जो फेज वन का एग्जामिनर हूँ और अभी से तुम्हारी एग्जाम शुरू हो चुकी है, यानी कि ये जो आगे भाग रहा है ना और इसके पीछे बाकी सब भाग रही है, ये भी एक एग्जाम है, जिसको सुन के ना बाकी सब मतलब थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह का एग्जाम है। और तभी अपना जो कूरा पी का होता है ना वो बताता है कि ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं, ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला है, क्योंकि बहुतों को तो ऐसा ही लगेगा ना कि पीछे ही भागना है, लेकिन इनको थोड़ी ना पता है कि कितना भागना है। तो कभी कभार ना ऐसा हमें मतलब
दम तो होती है चलने की, लेकिन अगर रास्ता नहीं पता होता ना तो डर लगने लगता है कि और कितना चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मेंटल टॉर्चर भी यहाँ पे हो रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अभी 404 बंदे ही बचे हैं, क्योंकि एक बंदे का तो उसने हाथ उड़ा दिया था ना, तो 404 ही बचे हैं और सबके सब भाग रहते हैं। और आखिर में हम देखते हैं अपने गॉन को, जो कि थोड़ा थका हुआ लग रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और इस एपिसोड में आपको कुछ भी अच्छा लगा, मेरी कमेंट्री हो या फिर वीडियो हो, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट मुझे बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और अगर इतना सब कुछ कर रहे हो तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए और थोड़ा जोर से बजाना, एकदम टन करके आवाज आनी चाहिए, वैसे ही एक घंटी बजा देना।